नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड केमिकल डायनेमिक्स में रेडियो एक्टिव डिके ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिव रूपांतरण और रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन में परमाणु विघटित होकर एक या अधिक नए परमाणु देता है, अतः इसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया माना जा सकता है जिसमें एक अणु परिवर्तित होकर एक अधिक उत्पाद देता है। अतः रेडियो एक्टिव विघटन एक आणविक एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन से एटम जो है वो डिकम्पोज होकर दो या नए जो है एटम बनाता है, और उसमें ये जो एटम है या मॉलिक्यूल है ये चेंज होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यानी एक ही अणु या परमाणु परिवर्तित होता है और उससे दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। अतः ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं कि सपोज़ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है जो कि डिकम्पोज होकर बी प्रोडक्ट बनाता है। सपोज़ एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो इस ए की जो कंसंट्रेशन है वो एन ज़ीरो है। हम ये कहें कि इस ए के एन ज़ीरो परमाणु उपस्थित है। टाइम टी पर माना कि इस ए के जो परमाणु रह गए उनकी संख्या है एन टी। तो उस स्थिति में अब हम ये कहेंगे कि डी टी इसका अनंत सूक्ष्म समय में डी एन टी परमाणु विघटित होते हैं, और उसके लिए हम जो इसकी रेट लिखेंगे तो वो रेट होगी माइनस डी एन टी अपॉन डी टी। यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, माइनस डी एन टी अपॉन डी टी। तो इस तरह से विघटन का वेग उपस्थित परमाणुओं के समानुपाती होता है, इसलिए हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो हम लिखेंगे वो ये होगी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू माइनस डी एन टी अपॉन डी टी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और माइनस डी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। यहाँ पर लैम्डा डीके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यानी जिसे हम क्षयांक या विघटन स्थिरांक कहते हैं। प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए लैम्डा का एक निश्चित और विशिष्ट मान होता है। यह प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक होता है। अतः इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके पुनः लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी माइनस डी एन टी अपॉन डी टी इज सॉरी माइनस डी एन टी अपॉन एन टी इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। और फिर हम इसका अवकलन समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे हमें ये प्राप्त होगा माइनस लॉग एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी, जहाँ पर सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यानी जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू को हम जब प्राप्त करना चाहते हैं तो सपोज़ हम ये कहते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो एन टी इज इक्वल टू एन ज़ीरो, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सी इज इक्वल टू माइनस लॉग एन ज़ीरो और माइनस लॉग एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लॉग एन जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई तो लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास इज इक्वल टू ये है वन अपॉन टी
लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई, जिसको कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। और हम जब इसको लिखेंगे तो ये इक्वेशन होगी लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी। इस तरह से ये यहाँ पर जो लैम्डा है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है। यहाँ पर हमने लैम्डा को नाम दिया विघटन स्थिरांक, या जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, एन जीरो क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की इनिशियल अमाउंट है, और एन टी टी समय पर बची हुई मात्रा है। तो जो एन जीरो है वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, और एन टी हो गया ए माइनस एक्स के इक्वल हो गया। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन जो हमने लिखी थी कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, उसके इक्वलेंट है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर जो ये रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स होगी, यानी इसका जो डायमेंशन है वो टाइम इनवर्स होगा। अब हम देखते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको अर्धायु को किस तरह से हम समझाएंगे। अर्धायु वह समय है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित होता है, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी जो इनिशियल अमाउंट होती है उसका हाफ ये डिकम्पोज होता है, ये वो टाइम है, ये हाफ लाइफ पीरियड का। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हम हाफ लाइफ लिखते हैं टी हाफ, और इस तरह से जो हमारे पास इसकी वैल्यू है उसको हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टी हाफ हैं, और टी इज इक्वल टू टी हाफ, और एन टी को हमने लिख दिया एन जीरो अपॉन टू। और ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, आपके पास यही इक्वेशन आएगी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। अब हम देखते हैं एवरेज और मीन लाइफ, या जिसे हम औसत या मध्य आयु कहते हैं। इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि भाई औसत आयु क्या है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक लैम्डा का व्युत्क्रम उसकी औसत आयु कहलाती है, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके डिकम्पोजिशन का जो कांस्टेंट है यानी लैम्डा, उसका जो व्युत्क्रम होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उसकी औसत आयु या एवरेज लाइफ होती है। और एवरेज लाइफ को हम टो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टो से, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो जो हमने अभी शब्दों में कहा टो इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि जो एवरेज लाइफ है वो इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए हमने ये रिलेशन लिख दिया। और हम ये जानते हैं कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसलिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टू इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टू इज इक्वल टू 1.1
4 4 t half, ये हमारे पास औसत आयु निकल के आएगी। तो इसलिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसकी अर्ध आयु की 1.44 गुणा होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, जिसे आपको एक बार करके देखना चाहिए। देखो, जिसे आपको न्यूमेरिकल में ये दिया है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3/4 मात्रा का विघटन 2 घंटे में होता है, तो उसकी अर्धायु ज्ञात करो। तो उसके लिए आपको पहले उसकी लैम्डा कैलकुलेट करनी होगी, और उस लैम्डा से, लैम्डा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लैम्डा आप यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, ये फॉर्मूला लिखेंगे। और फिर उस 2 घंटे को आप, टाइम को जो 2 घंटा दिया हुआ है उसको आप मिनट में परिवर्तित करेंगे, तो टी आ गया आपका 120 मिनट, और एन टी आपका आ गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 3/4 मात्रा आपकी विघटन होती है, तो एन टी यानी जो अविघटित रही वो हम निकालेंगे 1 - 3/4, तो ये आ गई 1/4 आ गया। और ये जो वैल्यू है, ये एन टी तो हो गया 1/4 और एन जीरो हो गया 1, तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह 120, लॉग एन जीरो की जगह 1 और एन टी की जगह हम 1/4 रख देंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा निकल के आ जाएगा, और फिर हम टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो जो लैम्डा हमारे पास निकल गया है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके और फिर हम उसकी अर्धायु को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप एक बार इसका न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप घर पे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।